नमस्कार, मेरा नाम है यशिक और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। महज 4 से 5 साल की उम्र के 2 पड़ोसी बच्चों के विवाद का अंजाम एक महिला की हत्या तक जा पहुंचा। ये घटना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के बवाना एरिया की है। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि बच्चे के विवाद में जिस 53 साल की महिला की हत्या हुई है, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने झगड़ रहे दोनों बच्चों को डांट दिया था। आरोप है कि ये बात पड़ोसी परिवार को इतनी नागवार गुजरी कि घर में घुसकर महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाने की पुलिस ने आईपीसी धारा 302, 452, 506 के तहत केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 27 साल की प्रतिभा परिवार के साथ जेजे कॉलोनी बवाना में रहती है। घर में सास ससुर है, वह आंगनवाड़ी में जॉब करती है। रोज की तरह शनिवार को भी ड्यूटी से दोपहर 2:30 बजे घर पहुंची। घर आने के बाद वह 3री मंजिल पर थी जब उन्हें झगड़े के शोर सुनाई दिया। नीचे आई तो पता चला कि उनके 4 साल का बेटा व पड़ोस का 5 वर्षीय बच्चा खेलते हुए झगड़ रहे थे। उस समय प्रतिभा के सास ससुर घर में थे। आवाज सुनकर 53 वर्षीय सास रामवती भी आ गई। उन्होंने दोनों बच्चों को डांट दिया। वारदात के चश्मदीद प्रतिभा ने पुलिस को बयान दिया कि तभी पड़ोसी बच्चे के परिवार से उसकी नानी कमला गुस्से में आ गई। आरोप है कि सास रामवती और कमला के बीच कहासुनी हो गई। उस समय प्रतिभा ने दोनों को समझा बुझाकर शांत करके भेज दिया। उसके बाद सास ससुर 4 बजे घर से बाहर घूमने चले गए। करीब 5 बजे वापस आने के बाद ससुर गायों के चारा डाल रहे थे और सास चारपाई पे बैठी थी। आरोप है कि शाम करीब 6 बजे उस पड़ोसी परिवार से रेनु, पूजा, बाबू और कमला गाली देते हुए घर में आ गए। तीनों ने चारपाई पर बैठी सास को पीटना शुरू कर दिया। बाबू नाम के शख्स ने अंदर से कुंडी लगा दी ताकि कोई बचाने ना आ सके। इसके बाद आरोप है कि पूजा ने गला दबाया जबकि रेनु और कमला ने चारपाई पर ही सास को जकड़े रखा। प्रतिभा ने अपनी सास को छुड़ाना चाहा तो रेनु ने बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया। इसके बाद शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पिटाई से सास वही जख्मी हालत में गिर गई। आरोपी मौके से फरार हो गए। परिवार के लोग तुरंत रामवती को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में पूजा, रेनु और कमला को पकड़ लिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हत्या के दौरान आरोपियों ने रामवती की आंखों में मिर्ची भी डाली थी। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।